नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी द्वारा आमजन और रोगियों की सहायता हेतु निःशुल्क मेडिकल इक्विपमेंट बैंक का शुभारंभ देवीलाल ढाकर, विधायक गरोड़ भानपुरा, विकास भाई विभाग प्रचारक 12 विभाग, महावीर सिंह यादव भवानी मंडी, ओम प्रकाश चतुर्वेदी संस्था अध्यक्ष धर्मचंद गोटेवाला की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह, गौशाला अध्यक्ष यशवंत जैन, कमल सुरेखा, प्रकाश गुप्ता, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, चितन गर्ग, राकेश यादव, श्याम गुजर, मुकेश यादव, विनीत यादव, सोनू होरा, विनय आस्तोलिया, बने सिंह, रमेश भूतड़ा, कमलेश दलाल, गुरुभेज सिंह, राजेश गुप्ता, तेज प्रकाश चतुर्वेदी, प्रेम प्रकाश चतुर्वेदी, अजीत बियानी, अमित चतुर्वेदी समेत नगर के विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। जिस प्रकार उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी जीवन के लिए दवाई और दुआ की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मेडिकल उपकरण भी मरीजों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो रोगी को जल्द निरोगी बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसी कड़ी में ब्रेन डेड, कोमा, पैरालिसिस, दुर्घटना और अन्य बीमारी उपरांत काम आने वाले मेडिकल उपकरणों का निःशुल्क बैंक प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन ओम शर्मा द्वारा किया गया। उक्त जानकारी संस्था सचिव हिमांशु चतुर्वेदी ने दी। भवानी मंडी देश के सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा पुरोहित को यूथ वर्ल्ड न्यूज व सोशल मंच बीकानेर द्वारा रविवार को वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान एक्सीलेंसी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पुरोहित ने बताया कि यूथ वर्ल्ड सोशल मंच द्वारा आयोजित यूथ वर्ल्ड एक्सीलेंसी अवार्ड 2021 के वर्चुअल आयोजन की मुख्य अतिथि बीकानेर महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित थी। भवानी मंडी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार की झालावाड़ जिला इकाई की डक तहसील के सदस्य पत्रकार किशोर सोनी का आज भवानी मंडी में भावभीनी स्वागत किया गया। सोनी को स्वर्णकार समाज का प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर झालावाड़ जिला जार इकाई की ओर से स्वागत किया गया। सोनी जार के पत्रकार सदस्य आज इस अवसर पर झालावाड़ जार के जिला अध्यक्ष मोहन सिंह कुशवाहा, पछवाल तहसील अध्यक्ष दिलीप शर्मा सरंगी, नगर अध्यक्ष लोकेश मकवाना व नगर उपाध्यक्ष किशोर समद आदि जार के पदाधिकारियों ने अपने सदस्य पत्रकार साथी किशोर सोनी का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मोहन सिंह कुशवाहा ने कहा कि जार हमेशा पत्रकारों के हितों के लिए संघर्षरत रहता है और आगे भी रहेगा। अपने स्वागत से अभिभूत जार के पत्रकार किशोर सोनी ने कहा कि जार हमेशा अपने साथियों के सुख दुख में हर समय साथ खड़ा रहता है। जार के नगर अध्यक्ष लोकेश मकवाना ने यह जानकारी मीडिया को दी। अखलेरा में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूरी विधि विधान से घायल वानर का अंतिम संस्कार किया। जिला उपाध्यक्ष रिंकू यादव ने बताया कि सुबह सूचना मिली, कुछ आवारा कुत्तों ने एक वृक्ष के नीचे बैठे घायल वानर को दबोच लिया। वानर घायल होने की वजह से उसके प्राण त्याग दिए गए। मरे हुए वानर को कुत्ते नोचने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय घूमने निकले संगठन के कार्यकर्ताओं ने यह नज़ारा देखा। देखते ही कार्यकर्ताओं ने कुत्तों को तुरंत वहां से भगाया और सभी कार्यकर्ताओं को सूचना दी। कुछ ही समय में संगठन के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और फिर सबने मिलकर वानर का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। झालावाड़ पंजाब के पटियाला में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश और झालावाड़ जिले का नाम रोशन करने में राज्य मंत्री, श्रम, कारखाना व बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, सहकारिता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग, जिले के प्रभारी मंत्री टीकाराम जुली ने उनकी इस उपलब्धि को खेल के क्षेत्र में झालावाड़ के लिए ऊंची उड़ान बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और सुखद जीवन की शुभकामनाएं दी। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को मिनी सचिवालय के सभागार में राजस्व अधिकारियों व जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने राजस्व संबंधी मामलों को लेकर समस्त उपखंड अधिकारियों से कहा कि रोड़ा एक्ट वसूली, लेखा महालेखाकार के ऑडिट पैराज, वन विभाग की भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद, गैर खातेदारी से खातेदारी, ऑनलाइन नामांतरण, सहमति से विभाजन, इजराए, भूमि आवत्ति व 183 सी आदि प्रकरणों का भी निर्धारित अवधि में निस्तारण करना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला कलेक्टर ने खानपुर अखलेरा में NHI में अवाप्त भूमि के मुआवजे से संबंधित शेष लोगों को भुगतान हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक के मिलकर इनके वासियों के बारे में पुष्टि करना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपखंड अधिकारी को
निर्देशित किया कि हाईवे ब्रिज के ऊपर निकल रही हाई टेंशन लाइन के खतरे को ध्यान में रखते हुए हाई ब्रिज से भारी वाहनों का आवागमन नहीं होने दें। पिड़ावा उपखंड क्षेत्र के हेमड़ा से रामपुरिया 133 केवी लाइन अमीरपुरा के पास सर्वे के अलावा दूसरे स्थान पर लगाने का आरोप लगाते हुए बोर्ड गई फसल के नष्ट होने से बचाने की मांग करते हुए अमीरपुरा के ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हेमड़ा से रामपुरिया तक 33 केवी लाइन डाली जा रही। लाइन अमीरपुरा गाँव में जिस स्थान पर डाली जा रही थी वह परत भूमि थी। उस स्थान पर गड्ढे व पोल भी पड़े कर दिए थे, लेकिन उसके बाद संवेदक अभियंताओं ने मिलीभगत कर वहां से खंभे उखाड़ कर हमारे खेतों में पोल गाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उस स्थान पर दो बगीचे भी लगे हुए हैं। किसानों ने खेतों में फसल की बुआई कर दी। अधिकांश गरीब व छोटे किसान हैं। अधिकतर समय किसान व उनके मवेशी खेतों में ही रहते हैं। किसानों ने खेतों की काफ़ी महंगी सोयाबीन के बीज बो रखे हैं। ठेकेदार को सुपरवाइजर 3 दिन से पुलिस को साथ लेकर किसानों पर लाइन डालने का दबाव बना रहे हैं। इस लाइन के डालने से हादसे की संभावना बनी हुई है। पिड़ावा क्षेत्र के कोथड़ी चौक पर तैनात एएसआई कमल सिंह की विद्युत हादसे में गत 29 जून 2018 को मृत्यु हो गई थी। उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर पिड़ावा थाने में पुलिस कर्मियों ने श्रद्धांजलि देकर याद किया। इस अवसर पर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल दिलीप, कांस्टेबल राजीव, शंकर, लोकेश, मोहन, राम प्रकाश, राकेश, मेहरबान आदि ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पिड़ावा में वैक्सीन खत्म होने से लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम राष्ट्र एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि उपखंड में 100% वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन खत्म होने से लोग वैक्सीनेशन सेंटर में निराश होकर लौट रहे हैं। पिड़ावा उपखंड में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में कृपाल सिंह, अशोक शर्मा, रविंद्र शर्मा, विकास बनवारी, अरमान कन्हैया लाल आदि सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागो को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी गोपाल की माल हिगोनिया में कृषि भूमि स्थित है, जो प्रार्थी ने 5,000 रुपये में अपराधी रामदयाल आत्मगज श्रवण बेरवा निवासी झालरी के वर्ष 1994 में रहन रखी थी, लेकिन अपराधी रामदयाल द्वारा प्रार्थी गोपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तुरंत सुनवाई करते हुए एसडीएम राजेश डागा ने प्रार्थी व अपराधी गण को न्यायालय में बुलाया गया। मंदसौर पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग करके रुपए हटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस द्वारा गिरोह के 2 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधी हरियाणा के मेवात की उस ब्लैकमेलिंग गैंग को फर्जी तरह से बैंक अकाउंट खुलवा कर बेचा करते थे, जो सोशल मीडिया पर लोगों को अश्लील वीडियो कॉलिंग के जरिए से धमकाने का काम करती थी। ये आरोपी मजदूर वर्ग के लोगों के कागजात लेकर फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवा कर मेवात की गैंग को 10 से 25 हज़ार रुपयों तक में बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 3 मोबाइल, 6 फर्जी सिम, 1 फर्जी बैंक खाता किट व 200 मजदूरों के ID कार्ड व बैंक खाते की जानकारी जब्त की। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो राजस्थान के अलवर जिले में काम करते हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों में मंदसौर में अश्लील वीडियो कॉलिंग के माध्यम से धमकार रुपए हटने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस को गिरोह से जुड़े इन लोगों को पकड़ने में सफलता मिली है। जांच के बाद पुलिस इस मामले में आगे और बड़े खुलासे कर सकती है। तो इसमें जो बात सामने आई कि भिवाड़ी के रहने वाले 2 व्यक्ति मिले हैं, जो कि वहाँ पर फैक्ट्रीज काफ़ी हैं, फैक्ट्री में लोग सुपरवाइज़र का काम करते हैं, और जो फैक्ट्री के लोग आते हैं वहाँ पर काम के लिए, जो अकाउंट ओपन होता है उनका, वह अकाउंट ओपन करा करके उनमें से ही कुछ अकाउंट को दूसरी गैंग को उन लोगों ने 10,000 रुपये में बेच देते थे, यानी अकाउंट की जो किट आती है, और सब जो भी फिर फर्जीवाड़ा होता था, जो ट्रांजेक्शन होता था, वो जो अकाउंट उन्होंने जो बेचा है उस पर होता था। तो पुलिस भी पहुँचेगी तो जिस अकाउंट होल्डर तक पहुँचेगी, पता लग रहा है अकाउंट होल्डर को मालूम ही नहीं है कि उसके नाम का अकाउंट ओपन है। ऐसे ही जो मामला इसमें आया है, एक महिला के नाम पर अकाउंट ओपन हुआ था, उस महिला को जानकारी नहीं थी कि उसका कोई अकाउंट भी है, और वह महिला एक लेबर क्लास का वर्क में है, और उसके अकाउंट से करीब करीब 50 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन पिछले 3 महीने में हुआ है। तो इसमें जो हमारे यहाँ का जो फरियादी पक्ष था, इसको भी 2 लाख रुपए का उन्होंने उनसे पैसे लिए थे, तो वह भी मामला है।
इसके बाद ये लोग एक जो मेवात के कुछ लोग हैं ये वहाँ से ऑपरेट करते हैं, लोगों को धमकाते हैं या जिस तरीके से फर्जीवाड़ा उनको करना है, और जो पर्टिकुलर उनके अकाउंट हैं उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा करके तत्काल ही उसको POS के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से तो तत्काल पैसा वो लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी और अकाउंट में। कितने कितने में आपको जो जानकारी मिली है, करीब इनने 7 अकाउंट का बताया और करीब 8 से 10 हज़ार रुपये एक अकाउंट के इनको पैसा मिलता था। सर ये जो साइबर हो रहा है जनता से, तो पुलिस के रूप में यही अपील है कि शामगढ़ जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा आज गरोट रोड शामगढ़ में सिटी हॉस्पिटल पर निरीक्षण हेतु पहुंची। मध्य प्रदेश मंदसौर में आज सिटी लाइट अधिकारियों ने निरीक्षण किया। ऐसे में सर तब तक सतर्क जा रहा है, सभी अधिकारी ने मिलकर निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के पिपला मंडी चौकी क्षेत्र के ग्राम बेलारी में देर रात्रि एक ट्रैक्टर चालक तेज गति से निकला तो ग्रामीणों ने सजगता दिखाते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पिपला मंडी चौकी प्रभारी कपिल सोरास्ती सौनी पवार व सौनी मेढा के रात्रि गश्त पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ क्षेत्र में नाकाबंदी की। इस दौरान अज्ञात बदमाश को पुलिस अंधेरा का फायदा उठाते हुए बेलारी के जंगल में ट्रैक्टर को रावारी छोड़कर मौके से भाग निकले। बाद में ट्रैक्टर प्रहलाद पिता भवानी सिंह राजपूत ग्राम पुवेलाना में खेत से चोरी होने की जानकारी सामने आई। तो ट्रैक्टर जो है संदिग्ध अवस्था में निकला था, बेलारी गाँव के ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई थी, जिस पर पुलिस की जो गश्त पार्टी है उसके द्वारा पुलिस टीम बनाकर तत्परता से कार्रवाई की गई, जिसमें ट्रैक्टर का पीछा किया गया। चोर जो है ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गए। फरियादी की तरफ से प्रकरण कायम कर लिया गया है और अज्ञात चोरों की पतारसिक जारी है। प्रहलाद सिंह पिता भवानी सिंह राजपूत निवासी पलेवना वाले का ट्रैक्टर था ये, उनकी तरफ से प्रकरण कायम कर लिया गया है। आज के समाचारों फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।